हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केआरबी किचन लैब। आज हम बनाएंगे अफगानी मलाई कोफ्ता। सो वीडियो को एंड तक देखना कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब हम उसमें एक कप फ्रेश धनिया डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ। अब हम एक अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, कुछ ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, 6 से 7 लहसुन की कली ऐड कर देंगे, 7 से 8 दाने मेथी दाने ये डाल देंगे, 2 लविंग और बड़ी इलायची के दाने ऐड कर देंगे, 5 से 6 बादाम ऐड कर देंगे। अब 1 कप दही ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अब सभी को अच्छे से ढक्कन लगा के पीस देंगे। एकदम फाइन प्योरी पेस्ट बना देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइन प्योरी पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेस्ट बन चुका है पूरा। अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 2 बड़े स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने ऑलरेडी हीट कर दिया है। अब हम 1 स्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 तेज पत्ता ऐड कर देंगे और जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे। अब हम ग्रेवी को 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो पेस्ट का कच्चापन स्वाद है वो ना आए। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं। अब हम ऐड कर देंगे मसाले। 1 स्पून धनिया मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, पिंच ऑफ हल्दी ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। हम लाल मिर्ची पाउडर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमने ग्रीन चिली को पेस्ट बनाते टाइम पे डाल दिया था, ताकि ग्रेवी में तिखास रहे। अभी लाल मिर्ची बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, वरना ग्रेवी और तीखी हो जाएगी। अब हम ग्रेवी को फिर से 7 से 8 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। सात से आठ मिनट के बाद हम दही ऐड कर देंगे। थोड़ी लिक्विडी टाइप ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम 1/2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देने के बाद हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, ताकि सब्जी में एक उबाल आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और ये हमारी ग्रेवी बनके हो चुकी है रेडी। अब हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पनीर ले लिया है और 50 ग्राम फीका मावा, और इस तरह से हाथ से मैश कर देंगे। अच्छे से दोनों को मैश कर देने के बाद आपस में बाइंड कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पनीर और मावा अच्छे से मैश और बाइंड हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 4 से 5 बॉयलर डालू, इस तरह से मैश करके।
आलू मैश करने के बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का इस तरह से मैश करके ऐड कर देंगे। अदरक को अच्छे से मैश करने के बाद 3 से 4 कली लहसुन की इस तरह से मैश करके ऐड कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैश करके देन हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे, चॉप्ड बादाम और पिस्ता ऐड कर देंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। अब 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। सभी को ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाइंड कर देंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते का आटा जो है एकदम अच्छे से बाइंड हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट लगाया हमने आटा। सो अब हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हम इस तरह से आटा ले लेंगे, हाथ में ऑयल लगा के इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे कोफ्तों को और इसी तरह से हमें बाकी कोफ्ते रेडी करने हैं। सभी कोफ्ते रेडी हो जाने के बाद हम एक प्लेट में मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों एक साथ मिक्स करके रख देंगे और अब हम कोफ्ते को लेंगे और मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो डस्ट है वो हम लगा देंगे। इसी तरह से हमें बाकी कोफ्तों में भी डस्ट कर देना है मैदे और कॉर्नफ्लावर का। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने प्री हीट कर दिया है। अब हम उसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। आपको कोफ्ते को तब तक फ्राई करना है जब तक कोफ्ता हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाता। कोफ्ते हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। सो कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे सर्विंग। सर्विंग करने के लिए हमने सर्विंग ट्रे ले ली है, उसमें हम ग्रेवी को ऐड कर देंगे। ग्रेवी ऐड कर देने के बाद हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब हम ऊपर से पनीर क्रश कर देंगे। सो सर्विंग हमारी हो चुकी है। अफगानी स्टाइल में मलाई कोफ्ता सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए हमने पनीर यूज़ किया है और धनिया यूज़ किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।